उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगे। उनके चंपावत सीट से चुनाव लड़ने की आज औपचारिक घोषणा हो गई। चंपावत विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने आज अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधायक कैलाश गहतोड़ी के इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया। अब चंपावत विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होगा और यहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि एक दिन पहले विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश नेतृत्व को अपने इस्तीफे की जानकारी दी थी और आज आधिकारिक तौर पर विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया। विधानसभा अध्यक्ष के यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी के इस्तीफे सौंपने के वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बीजेपी संगठन महामंत्री अजय कुमार, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से अपना चुनाव हार गए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको 6 महीने के अंदर विधानसभा में पहुंचना है। ऐसे में उनके लिए एक सुरक्षित विधानसभा सीट की तलाश की जा रही थी। चंपावत विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट छोड़ने का ऐलान किया था। हालांकि पार्टी के कुछ अन्य विधायकों के साथ एक निर्दलीय और कांग्रेस के एक विधायक ने भी सीएम धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की थी। और वो त्यागपत्र स्पीकर होने के नाते मैंने स्वीकार किया है। मैम, चुनाव कैसे किया आप लोगों ने, संगठन में क्या चर्चा हुई और कितनी मुफीद ये मुख्यमंत्री जी के लिए रहेगी, क्या कुछ? देखिए, चंपावत के सभी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की थी और बैठक के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा था कि हम चाहते हैं कि जो चंपावत की सीट है इससे मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े। इसके बाद वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जिन्होंने वहाँ की जनता के दिलों पर राज किया है, जिन्होंने वहाँ की जनता के लिए समर्पित भाव से काम किया है, उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की और वो इच्छा उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार जाहिर करते हुए कहा कि मैं चाहता हूँ कि चंपावत के हित में, चंपावत के विकास के लिए यदि मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मैं अपनी सीट छोड़ने को तैयार। हम लोग बैठे, बैठने के बाद चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद संगठन में केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की और बातचीत होने के बाद कल ये डिसाइड हुआ कि आज कैलाश गहतोड़ी जी अपने विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन करेंगे और आज उन्होंने अभी विधानसभा अध्यक्ष के यहाँ अपना इस्तीफा दिया, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार किया। मैं गहतोड़ी जी को शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आपने राज्य में एक ऐसी सीट अपने मुख्यमंत्री के लिए छोड़ी है जो निश्चित रूप से जनता के दिलों पर आपने राज करते हुए एक शानदार लगातार जीत आपको मिली है। गहतोड़ी जी ने आज इस रूप में एक बड़ा काम इस रूप में किया है। देखिए, मैं अभी इससे पहले भी कहा, मेरे संगठन ने मुझे दो बार टिकट दिया है, इतना सब कुछ दिया है, मेरी आइडेंटिटी इतने आप कैमरे वाले सामने खड़े हैं, ये मेरे संगठन का दिया हुआ तो है। एक कैलाश गहतोड़ी होता, अपने घर में होता तो कोई कैमरे वाला पूछने वाला नहीं होता, ये कम है क्या? हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमसे कई लोगों ने पूछा कि भाई पिछले लोगों ने जो है कई मुख्यमंत्रियों के लिए सीट छोड़ा, वो बिल्कुल गायब हो गए। मैंने कहा हमारी भूमिका अलग है भाई, हम निस्वार्थ हैं, हम उन लोगों को देख करके जीते हैं जिनने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी देखिए आप, हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए आप, इन सब ने जो है केवल राष्ट्र की सेवा के लिए सब कुछ किया हुआ है, क्या स्वार्थ हो सकता है हमारा? मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं चाहता हूँ धामी जी को 5 साल काम करने को मिले, सारे संगठन ने, सारे लोगों ने मिल करके एक ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि 5 साल हमने काम किया, इस प्रदेश को जो हमारे राष्ट्रनायक, दुनिया के नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी हैं, उनका सपना जो 10 साल बेमिसाल उत्तराखंड के लिए कहा गया है, उनमें सबका कंट्रीब्यूशन हो। तो कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस प्रदेश को बनाया था,
लेकिन देखते देखते 21 साल बीते, 22 साल बीते, तो प्रदेश वहीं का वहीं होता था, कुछ बहुत तो अब राज्य बना है, कुछ होता था। लेकिन पिछले 6 माह में जो ताबड़तोड़ विकास के कार्य हुए, तो ऐसा ही नहीं, यही नहीं है, हम तो साधारण सा त्याग है, मेरा कुछ नहीं है, मेरे संगठन ने मैं किसी लायक नहीं था, दो दो बार टिकट दिया मुझे, एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सदस्यता लेना मुश्किल है, उनने मेरे को 2 बार टिकट दिया, और मेरा भी कर्तव्य बनता था, हम प्रेरणा उन्हीं से लेते हैं, हमारा मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनमें हजारों हजार लोग अपने जीवन को पूरा इस भारत माँ की सेवा के लिए, इस हिंदुत्व की रक्षा के लिए देते हैं। हम छोटा सा अंश दान हम भी कर रहे हैं, क्योंकि उस लड़के में एक ऊर्जा, किसी राष्ट्र नायक, दुनिया के नायक ने, अवतारी पुरुष ने देखा था उनको, हारने के बाद भी मुख्यमंत्री बने हो, यूँ तो नहीं बने, मेरे ख्याल से आप सारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, छोटा स्तंभ हैं, आप लोग भी जानते हैं कि 6 महीने पहले आप ही कहते थे यार 20 सीट आ रही हैं, 19 सीट आ रही हैं, 25 सीट आ रही हैं, ये करिश्मा तो 6 महीने में हुआ जी, तो 47 सीट 60 का नारा लोग मजाक समझ रहे थे, कांग्रेस में तो ऐसा हो रहा था कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर कोई करिश्मा करता है तो उसका प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, और वो दिया है हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, और ये डिमांड भी थी, क्योंकि अगर कोई घटना घटती है तो उनको तुमने गलत किया है इसका एहसास कराना भी ज़रूरी है, इसलिए मुफीद थी बगल की सीट, और हमने विश्वास दिलाया था। मेरी जनता का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं जब क्षेत्र में गया हूँ, मैंने प्रस्ताव रखा, शुरू के दिन ही जब मैंने कह दिया था, जैसे ही सर्टिफिकेट लिया उसी दिन कह दिया था, तो आहत तो थे, सारे लोग आहत थे, तो इस बीच में जब मैं धन्यवाद करने गया तो पूरी जनता ने सर आँखों पर लिया सारी बातों को, और उनने कहा कि वास्तव में धामी जी को मौका मिलना चाहिए। तो मैंने लगातार मीडिया के माध्यम से भी कहा कि अगर 5 साल इस युवा को मिलते हैं, जिनसे अपेक्षा राष्ट्र नायक कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय संगठन कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी कर रहे हैं, हमारा प्रदेश का संगठन कर रहा है, तो छोटा सा सिपाही मैं भी हूँ, मुझे भी थोड़ा सा ऐसा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से करना चाहिए। विधायक ही फिर ले आएंगे, और वैसे भी मैं इस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ बड़ा ऐतिहासिक जगह है, वो चंद्र राजाओं की राजधानी रहा है मेरा चंपावत, विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, पूरा बॉर्डर एरिया है, 80 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल से लगता है मेरा, तो विकास से कई अछूता रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है वहाँ पूर्णागिरी का, बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत हैं वहाँ, और मेरी विधायकी में मैं कितना कर लूँगा, कितने विधायक रहे, क्या हो गया वहाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी का जाना अपने आप में एक लगता है कि विकास की एक वयार बहेगी वहाँ, और जो लोगों ने सोचा था नैनीताल डेवलप हुआ और जगह डेवलप हुए, लेकिन वो एरिया इतना सुंदर है प्राकृतिक दृष्टि से भी, तो अगर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पैर पड़ेंगे तो मेरे ख्याल से उस क्षेत्र का विकास होगा, मेरा सौभाग्य होगा, मेरी जनता ने जो मुझे 2-2 बार चुनाव जिताया है और उनने चाहा है, उनकी चाह भी पूरी होगी, और मेरा इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा।